आप देख रहे हैं द कॉस्मो शो। पिछली बार हमने देखा उस तरह बिग बैंग थ्योरी और स्टडी स्टेट थ्योरी का विवाद कुछ वर्षों तक चला और सन 1965 में खगोल वैज्ञानिकों के बहुमत वर्ग ने बिग बैंग थ्योरी को स्वीकृति दे दी। तो बात इस तरह थी कि सन 1946 में बिग बैंग थ्योरी के कर्ताधर्ता जॉर्ज गामोव ने वर्तमान ब्रह्मांड के तापमान के लिए 5 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो से अधिक का आंकड़ा दिया। महाविस्फोट के वक्त जो तापमान 1 अंडेसिलियन केल्विन जितना था, वो ब्रह्मांड के हो रहे सतत विस्तरण के कारण आज का तापमान जॉर्ज के अनुसार 5 केल्विन होना चाहिए। उसके 19 वर्ष बाद सन 1965 में आर्नो पांजियास और रॉबर्ट विल्सन ने टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के गर्म विकिरणों की आवाज के आधार पर साबित किया कि ब्रह्मांड का तापमान अब 2.735 केल्विन यानी 273.15 सेल्सियस था। अवकाश के इस तापमान के आधार पर बिग बैंग थ्योरी को बहुत समर्थन मिला, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी था कि एक ही बिग बैंग हुआ या फिर अनेक, जिसने अनेक ब्रह्मांडों को जन्म दिया। जब बिग बैंग हुआ तब पदार्थ के अति सूक्ष्म परमाणुओं का जन्म हुआ और वो तेज गति से दूर तक गए। ये परमाणु एक दूसरे से दूर भागते ही रहे और इस तरह ब्रह्मांड का फैलावा रुक नहीं सकता। इस तरह के ब्रह्मांडों को खगोल वैज्ञानिकों ने ओपन यूनिवर्स का नाम दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद यदि ब्रह्मांड का विस्तरण रुक जाता है और संकुचित होकर एक कॉस्मिक अंडे में समा जाता है, तो इस प्रकार के ब्रह्मांडों को खगोल वैज्ञानिकों ने क्लोज्ड यूनिवर्स कहा। अगर बिग बैंग ने ब्रह्मांड को जन्म दिया तो उसकी मृत्यु की अवस्था बिग क्रंच है। हमारा ब्रह्मांड ओपन है या क्लोज्ड कुछ कह नहीं सकते। वर्तमान स्थिति को देखे तो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड। बिग बैंग जैसे कई महाविस्फोट हुए जिसके कारण अनेक ब्रह्मांडों का जन्म हुआ। हाई स्पीड से ब्रह्मांडों का विस्तरण होता गया और परमाणुओं के बीच का अंतर इतना बढ़ गया कि अणु रचना का प्राथमिक तबक्का ही नहीं आया। न तो तारों का सृजन हुआ और न ही ग्रहों का। बिग बैंग के बाद कई ब्रह्मांडों को तारों और ग्रहों के उद्भव का अवसर मिलने के पहले ही वो बिग क्रंच के भोग बने थे। एक हमारा ब्रह्मांड ही खुशकिस्मत था क्योंकि लंबे समय के बाद उसमें जीवन सृष्टि का संचार हुआ। ब्रिटेन के शाही खगोल वैज्ञानिक मार्टिन रिस ने कहा कि हमारे ब्रह्मांड का सृजन एक अलौकिक चमत्कार है। अगर ऐसा योगानुयोग न हुआ होता तो परिणाम कुछ अलग ही मिलता। 100 बात की एक बात। अंत में ऐसा ही कहा जा सकता है कि जो हमें अनुकूल नहीं थे वो दूसरे ब्रह्मांड और जो हमें अनुकूल है वो है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के और ऐसे रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए द कॉस्मो शो।